उदयपुर के केंद्रीय कारागार में कई सकारात्मक पहल कर बंदियों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव किए गए हैं। जेल का वातावरण गीत संगीत से सराबोर है तो जेल की दीवारें 3D पेंटिंग, प्रेरक वाक्य, अनमोल वचन, गीता के सार से लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। हमारे उदयपुर संवाददाता पंकज पालीवाल की एक खास रिपोर्ट। जेल के वातावरण को सकारात्मक बनाने के लिए उदयपुर के केंद्रीय कारागार प्रशासन ने अनूठी पहल की है। प्रशासन के प्रयासों से जेल की सूरत अब बदली बदली नजर आती है। यहाँ कैदियों के प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनमें से जेल बैंड एक मुख्य कार्यक्रम है। बंदियों ने आउट ऑफ द बॉक्स नाम से अपना एक म्यूजिक बैंड बनाया है। 8 सदस्यों वाले इस म्यूजिक बैंड के लीड सिंगर जर्नल सिंह और परमेश्वर ब्यास हैं। इस बैंड में गिटारिस्ट रवि दुदानी के अलावा चैनसुक, बालकृष्ण, संजय, पप्पू और सुनील शामिल हैं। आजकल जो कारागृह हैं वो बंदियों के लिए सजा भुगतने का स्थान नहीं होकर और उनके सुधारने का, उनको समाज में पुनर्स्थापित करने के लिए एक व्यवस्था रह गई है। अब जेलों में बंदी ने क्या अपराध किया उसको ज़्यादा गौर नहीं करते हुए उसको कैसे वापस पुनर्वास किया जाए समाज में, उसके लिए प्रयास किए जाते हैं। इसी के तहत केंद्रीय कारागृह उदयपुर में वर्तमान में NGO के मार्फत कई कार्यक्रम बंदियों के लिए चलाए हैं, जिसमें उनको संगीत सिखाना, गाना बजाना दोनों है, पेंटिंग्स करना सिखाना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग सिखा रहे हैं, कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस तरह से कई उनके लिए हमने चालू किए हैं। उदयपुर जेल प्रशासन के अनुसार जेल बैंड की उदयपुर में काफ़ी डिमांड है। राजकीय कार्यक्रमों के अलावा जिला न्यायालय और बार एसोसिएशन के कार्यक्रमों के लिए भी जेल बैंड को बुलाया जाता है। पिछले साल उदयपुर में आयोजित वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल में भी बैंड ने शानदार परफॉर्म किया था। ये जो अभी आप देख रहे हैं ये बंदियों के द्वारा ही ग्रुप तैयार किया गया है, ऑर्केस्ट्रा है, एक बंदी बैंड है। बंदी बैंड बाहर भी जाता है, लोगों के शादी विवाह में उनके तरफ से इसको बुक किए जाने पर हम उन्हें बाहर भेजते हैं और वो उनका अच्छा प्रचलन में नाम है। उदयपुर केंद्रीय कारागार के परिसर में कदम रखते ही दीवारों पर लिखे प्रेरक वाक्य, अनमोल वचन, गीता सार एक अलग ही दुनिया का एहसास करवाते हैं। केंद्रीय सुधार गृह की दीवारें किसी आर्ट गैलरी का एहसास करवाती हैं। कैदी साधु राम ने जेल की दीवारों को 3D पेंटिंग से गुलजार कर दिया है। अपराध और आपराधिक प्रवृत्तियों की नकारात्मकता के बीच रंगों भरी दुनिया एक नई उम्मीद जगाती है। जेल के अंदर एक बैंड और पाइप बैंड भी बनाया गया है। इस बैंड में सभी कैदी, जो विचाराधीन कैदी भी इसमें कुछ शामिल हैं, वो अपनी धुनें भी खुद ही बनाते हैं और कई गीत भी वह लिख रहे हैं। इससे कैदियों को सजा के बाद में या रिहाई के बाद में समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर एक बार फिर से नई जिंदगी शुरू करने का अवसर मिल रहा है। जेल प्रशासन की पहल का ही नतीजा है कि अब बंदी अपनी बाकी जिंदगी को हंसी और खुशी के साथ बिताना चाहते हैं। इन पहल का परिणाम है कि कई बंदियों ने शेष जिंदगी के लिए सपने संजो लिए हैं। उदयपुर से पंकज पालीवाल की रिपोर्ट के साथ DD News Desk।